ये कमल के फूल हैं, कलियां हैं, ये खिली नहीं है, और ये इसकी पेटल्स हैं, पंखुड़ियां हैं। इसका अलग अलग तरीके से सेवन किया जाता है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। इंडिया के भी कुछ हिस्से, मतलब हमारे देश के भी कुछ हिस्से में, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ ये खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके पकोड़े बनाए जाते हैं और फिर सब्जी या साइड डिश के तौर पे या पकोड़े ऐसे ही खाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो मैं आज इनके ना बेसन के पकोड़े बनाने वाली हूँ। मगर ओरिएंटल कंट्रीज़ में और हमारे देश के कुछ हिस्से में जब इनके पकोड़े वगैरह बनाए जाते हैं तो उनका बेस जो होता है वो होता है अंडे, उसके बाद में चावल, और या तो फिर उसे क्या कहते हैं, मैदा। तो मैदा इन चीज़ों को नमक वगैरह डाल के उसको मिक्स करके फिर एक एक पंखुड़ी, मतलब ये एक एक करके उसको ऐसे ऐसे करके और फिर तेल में छोड़ा जाता है। दूसरा तरीका हमारा देसी तरीका है, जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। जो लोग बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते, जो वेगन्स हैं, उनके लिए ये एकदम बढ़िया डिश है। इस फ्लावर को सफाई इसकी कैसे की जाती है, इसकी जो ये दो तीन पंखुड़ियाँ हैं ऊपर की, ये देखिए, ये इनको हटा देना है। वैसे तो खाते हैं, मगर इसको हटाने का कारण ये है कि एक तो ये कीचड़ में होता है, दूसरा ये मार्केट में आते आते बहुत इसी तरीके से पैक होके गड्डी गड्डी में आता है, तो फिर बहुत जगह पर लग चुका होता है, एक्सपोज हो चुका होता है, लोगों के हाथ लग चुके होते हैं। तो इस तरीके से गुलाबी ये पंखुड़ियाँ दिखने लग जाएँ तब तक आप इसको खोल लीजिए, इस तरीके से एक एक करके काट निकाल लीजिए। और दूसरा ये नहीं लेना है इसका, ठीक है। इसके जो अंदर के ये जो देखिए सीड्स वगैरह जो डेवलप हो रहे हैं ना यहाँ पर, वो पार्ट नहीं लेना है इसमें का। तो उसके बाद में हम इन्हें जैसे हम पत्ता गोभी कट करते हैं पकौड़े बनाते वक्त पतला सा बारीक बारीक, वैसे इसको काट लेना, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपको मसाला अच्छा लगता हो, कुछ लोगों को लहसुन अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता अच्छा, तो आपके हिसाब से अदरक लहसुन हरी मिर्ची प्याज धनिया ये सब डाल के एक बढ़िया वाला घोल बना लीजिए बेसन का। तो ये कमल के जो पेटल्स हैं इनको मैंने काट लिया है, और धनिया लिया है इसमें, और प्याज ले लिया, डेढ़ लिया है मैंने। और ये आप पूछेंगे है क्या, ये है तुरई जो होती है उसके छिलका है, जिसकी चटनी बनती है, मगर मैं हमारे यहाँ चटनियाँ वटनियाँ खाती नहीं है, इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, तो मैं इस तरीके से पकौड़ों में डालती हूँ। बेसन है, आपके हिसाब से बेसन का घोल बनाइए आप, और मैं ये इसमें डालती हूँ चावल का आटा। तो वैसे तो हम इसको बेसन का बना रहे हैं, मगर चावल का आटा क्रिस्प लाने के लिए बना रहे हैं। तो इनको अच्छा सा नमक वगैरह डाल के अच्छा सा घोल लीजिए। देखिए मोटा मोटा एक ध्यान रखिएगा, आप मिर्ची के पकौड़े, आलू के पकौड़े, गोभी के पकौड़े बनाते हैं, उसका जो घोल होता है वैसा घोल बना के भी आप उसमें ये सारी सामग्री डाल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा बेसन कम करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आपके हिसाब से फिर आप टेस्ट और जो भी डालना चाहें। इसमें देखिए मैंने अदरक भी डाल दिया है, आप बढ़िया से फिर इसको ये कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए इस तरीके से, और आप थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालिए। तो देखिए इस तरीके से आटा बन जाना चाहिए, ताकि आप जब पकौड़े छोड़ें तो इतना इतना करके आपको छोड़ना आसान हो, ठीक है। ये देखिए इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी थी मैंने बाद में, देख लीजिए इसको ठीक से, ऐसा। इससे ज़्यादा पतला करेंगे ना तो फिर हम जब तेल में डालेंगे तो फैलने लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो तेल को आपको अच्छा सा गर्म कर लेना है, फिर मीडियम आँच पर आप इसको पकौड़ों को तल लीजिए। कमल के फूलों में कैंसर सेल और जो खराब बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं उनको नष्ट करने की ताकत होती है, साथ ही में ये हमारे शरीर में जो फैट बढ़ रहा होता है उसको भी कम कर देते हैं, और हार्ट और ब्लड वेसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं ये फ्लावर्स। कमल के फूलों में एक तरीके का एक केमिकल निकलता है जो हमारी स्किन, लीवर और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे कई सारे फायदे हैं इन पंखुड़ियों को खाने के।